चलिए बच्चे कनेक्ट हो गए आप लोग, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए ये वाला तो आप मुझसे पूछेंगे नहीं कि ये कैसे हुआ। 5 3 + 2 - -2 √ दिस इंटरव्यू, तो ये √3 - √2 का स्क्वायर रूट के बाहर है तो ये बाहर आ जाएगा 1/2। तो मुझे नहीं लगता इसमें डाउट है। अब डाउट आएगा इसमें, पहला डाउट आपको आएगा कि आपने 6 को 3 + 2 + 1 लिखा, 6 ये लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए किया के बच्चे क्योंकि आप देखो ना 3 और 2 आपको अवेलेबल है, 3 और 2, ये 2 से नहीं मतलब ये क्योंकि 2 AB वाला है, लेकिन 3 और 2 अवेलेबल है इसीलिए मैंने 3 2 किया, तो एक बचा क्या 1 बचेगा, तो मैंने ऐसा ब्रेक कर, बाकी इनको कुछ नहीं किया ऐसे किया। अब ये √3 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर, पहला ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस अब 2AB 2 into A into B प्लस 2BC 2 into this into this प्लस 2CA 2 into √2 √3 into 1। फिर हमने देखा 2 into √6 है 2 √2 है 2 √3 है, इसका मतलब दिस टर्म वी कैन राइट लाइक दिस एंड दिस इज नथिंग बट √3 + √2 + 1 का होल स्क्वायर। तो वो बाहर आके क्या हो जाएगा √3 + √2 + 1। इतना आपको सोचना पड़ेगा, समझ में आया ना, इतना इस क्वेश्चन में आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखते रहिए। अभी मैं आपसे पूछूंगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, तो आप मुझे रिप्लाई यस या नो में कर दीजिएगा। √3 + √2 + 1 - और फिर उसके बाद ये 1/2 ये इसको रैशनलाइज कर दिया है, तो यानी √3 - √2 और √3 + √2 √3 2 - √2 2 मतलब 3 - 2 1 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट इसको 1 लिखने के बजाय इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। अब यहां से ब्रैकेट ओपन हो जाएगा √3 + √2 + 1 ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो क्या होगा √3 - √2 तो ये इससे कट जाएगा ये इससे कट जाएगा, तो बेसिकली आंसर क्या आ जाएगा। अब बताइए डाउट है क्या किसी को, डाउट होगा तो यस, डाउट नहीं होगा तो नो, मैसेज कर डालिए सभी लोग। एक बार चीज को समझ लीजिए उसके बाद यस या नो में मैसेज कर डालिए बच्चे, सब भी मैसेज करिए। नहीं आएगा एक लोग भी अगर यस बोलेंगे तो आई डेफिनेटली रिप्लाई इट, फिर से मैं समझाऊंगा, ठीक है दीदी जी। और किसी को डाउट, देखो बच्चे यहां पे यहां तक समझ में आ गया, फिर से सुन लो ना फटाफट, फिर से सुन लो। 6 को लिखा 3 + 2 + 1 कैसे, क्योंकि ये 2AB मतलब ये AB की वैल्यू है, 2BC 2CA मतलब 3 और 2 दे रखा है रूट में है तो उससे कोई मतलब नहीं, 3 और 2 दे रखा है मतलब 3 और 2 + 1 तो ऐसा ब्रेक कर दिया। फिर ये देखा √3 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर ये 1 का स्क्वायर प्लस 2AB 2BC 2CA चेक करके देखा तो ये अवेलेबल है, इसका मतलब ये a + b + c का होल स्क्वायर, इसमें तो आपको डाउट नहीं आएगा। बाद में ये स्क्वायर है तो रूट के बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये √3 + √2 और नीचे ये √3 - √2 √3 + √2 तो ये √3 - √2 का होल स्क्वायर, √3 2 √2 2 तो 3 - 2 1 ये मैंने मेंशन नहीं यहाँ पे किया है, अपॉन 1 मेंशन नहीं किया क्योंकि कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फिर ब्रैकेट ओपन कर दिया तो √3 √3 से √2 √2 से और 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब समझ में आया अदिति बच्चे, नहीं आया तो मैं फिर से बता दूं। किसी बच्चे को 1% भी डाउट है तो पूछ लीजिए, 1% भी डाउट है तो पूछ लीजिए। दीक्षा बच्चे आई थिंक आप कल नहीं आए थे आज, हाँ समझ में आया बच्चे आपको दीक्षा, कहां से रिपीट करना है यस, कहां से आपको डाउट है रिपीट, यस कहां से आपको डाउट है बच्चे। After third step, 1 2 3 देखो ना यहाँ पे ये √3 + √2 + 1 का स्क्वायर रूट में है तो बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये रेस्टलाइज हो जाएगा 1/√3 - √2
तो ये माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, रैशनलाइजेशन सीखा ना हमने, तो ये रूट थ्री प्लस रूट टू, अब ये ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, ये रूट थ्री माइनस रूट टू और रूट थ्री प्लस रूट टू, तो क्या हो जाएगा ये रूट थ्री का स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर, तो ये थ्री माइनस टू दैट इज वन, यही चीज यहां पे लिखा हूं, तो ये नीचे वन लिखने की जरूरत नहीं है, रूट थ्री प्लस रूट टू हो गया, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस रूट थ्री माइनस रूट टू, तो रूट थ्री प्लस माइनस रूट थ्री, रूट टू प्लस माइनस रूट टू, तो प्लस वन बचा। अब समझ में आ गया रोहित? यस, अब समझ में आ गया बच्चे? जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए यस या नो में। ये ऊपर लिखा हूं तो इरेज कर देता हूं। चीजें ना समझ में आए पूछ लिया करो बच्चे, एकदम वेजिटेशन फ्री होके, टेंशन फ्री होके आगे बढ़ते। ये इस टाइप के भी क्वेश्चंस होते हैं। आज ये चैप्टर, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, रैशनलाइजेशन एंड मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट एक बहुत बड़ा पोर्शन। ये कुछ नया क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये आपको होमवर्क के लिए मैं छोड़ रहा हूं। ये क्वेश्चन में आपको करना क्या बच्चे, ये तीनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो और बाद में सिंप्लीफाई करके आंसर बता दो। ये कुछ नया क्वेश्चन नहीं है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बस तीनों को साथ में सॉल्व करना है, हो जाएगा। आप लोग ट्राई करोगे इस क्वेश्चन को घर पे, ट्राई करोगे बच्चे इसको, चलो तो मैं इसको छोड़ देता हूं, ठीक है ना। नहीं आएगा तो मुझे पूछ लीजिएगा, वैसे आ जाएगा आंसर। ये क्वेश्चन नंबर फोर, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्सटी वैल्यू आपको गिवन है, क्या ट्राई करेंगे आप इस क्वेश्चन को? ट्राई करिए। ए प्लस रेस्टलाइज करना है बच्चे, मैं आपको हिंट दे देता हूं, फिर जो आएगा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, आपको प्रूविंग हो जाएगा, ठीक है ना। ट्राई करिए सभी लोग, ट्राई करिए, ट्राई करिए सभी लोग। दीक्षा बच्चे आपका आज फर्स्ट डे है क्या? कि आपने आई थिंक क्लास अटेंड किया है। आपने कितने, आपने बच्चे कितने क्लास अटेंड किया है? अच्छा रेगुलर है। कल आई थिंक आपको समझ में आ रहा है ना बच्चे, क्या बोल रहे हैं आप? स्क्वायर, हाँ स्क्वायर करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है चले, स्क्वायर करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अच्छा अच्छा कल नहीं थे आप, मुझे लगा कि आप, हाँ चलेगा, समझ में आपको आ रहा है ना, ठीक है। कल का वीडियो आप देख लीजिएगा, उसके बाद कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। मरिया बच्चे आप ट्राई कर सकते हो, आप कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, लेकिन वो कितना लेंदी होगा वो आपको देखना पड़ेगा। इसमें एक और मेथड लगा सकते हैं, आपने सुना होगा, आप स्टेट बोर्ड में पढ़े हैं, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो सीएनडी मेथड सुना है ना आप लोगों ने, सीएनडी मेथड भी लगा सकते हैं इस क्वेश्चन में।
इस क्वेश्चन में आप सी एन डी मेथड भी लगा सकते हैं, कई तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने के लिए, आप ट्राई करिए। मैं इसको रैशनलाइज करके सॉल्व कर रहा हूं, तब तक आप ट्राई करिए, तब तक सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाए यहां पे। ये नेगेटिव है तो इसके पॉजिटिव से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए प्लस टू बी प्लस ए माइनस टू बी हो जाएगा, ये रूट ए प्लस टू बी माइनस ए माइनस टू बी। ट्राई करिए आप सभी बच्चे, फटाफट ट्राई करते रहिए। पॉजिटिव से ऊपर नीचे, अच्छा यहाँ पे पॉजिटिव, अब ये दोनों ऊपर वाला सेम टर्म है, तो ये a प्लस टू बी प्लस ए माइनस टू बी का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब रूट गायब हो जाएगा। बेसिकली यहां से आ जाएगा ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर रूट गायब प्लस बी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ ए प्लस टू बी ए माइनस टू। ठीक है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, आप सॉल्व करते रहिए। अब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस कट जाएगा इससे, और ये माइनस सीधा सीधा आ जाएगा फोर बी, ऐसे टू बी कट जाएगा, ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी टू ए और प्लस टू इंटू रूट में ये ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस फोर बी स्क्वायर। हम यहां से टू कॉमन लेके काट लेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस रूट में ए स्क्वायर माइनस फोर बी स्क्वायर अपॉन टू ए, तो एक्स इक्वल टू A plus. किसी का प्रूव हुआ क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई टू एक्स इक्वल टू ए प्लस रूट में ए स्क्वायर माइनस फोर बी स्क्वायर, अब ये टू ए एक्स माइनस ए इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस फोर बी स्क्वायर, अभी इसे फिर से स्क्वायर करेंगे टू ए एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस फोर बी स्क्वायर, ये जाएगा फोर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस फोर a स्क्वायर x a स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर a स्क्वायर कट जाएगा और फोर फोर भी कट जाएगा, तो a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस फोर ए स्क्वायर एक्स। फोर्स कट जाएगा फिर बड़ी हुई है।
चलिए कुछ और बड़ी हो सकता। देखिए बच्चे, इस क्वेश्चन को देखते हैं एक बार, ठीक है ना। यहां पे क्या है, ए प्लस टू बी और प्लस ए माइनस टू बी, ये चीज था आपके पास। अब यहां से करना क्या आपको है, ये नेगेटिव जो था इसके ऊपर नीचे पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करना था, तो ये जो नेगेटिव था इसके ऊपर नीचे आप पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये ए प्लस टू बी और ए माइनस टू बी, ये दोनों सम टेम स्क्वायर हो जाएगा, और ये ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां से ए कट जाएगा, तो ये टू बी माइनस ये प्लस हो जाएगा फोर बी, और यहां से ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। अब यहाँ पे देखना है कि कहीं रॉन्ग भी नहीं हुआ, टू बी कट गया था, टू ए टू ए और यहाँ से टू, और ये ए प्लस टू बी और ए माइनस टू बी, तो ये ब्रैकेट के अंदर ही ए स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर मतलब फोर बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, अपॉन फोर बी। अब यहां से टू कॉमन ले लेंगे, टू कॉमन लेके काट लेंगे, तो ए प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस फोर बी स्क्वायर अपॉन टू। अच्छा अच्छा यहाँ पे रॉन्ग, ये टू ए नहीं टू बी है, ये टू बी, ठीक है। उसके बाद देखते रहिए आप लोग, बी की जगह यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी बी है, ये भी, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा बी, बाकी सब सही है, यहाँ पे भी हो जाएगा बी, अब ये बी इस, ये बी स्क्वायर हो जाएगा, क्या से देखिए, ठीक है ना। ठीक है, अब यहां पर तक देखिए, चलो तो ये क्या हो गया, 2b हो गया, यहां तक आपको समझ में आ गया, x इक्वल टू ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2xb इक्वल टू a इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस फोर बी स्क्वायर। अब मुझे a इधर लाना है, मैं a इधर ला दिया, तो 2bx माइनस a इक्वल टू रूट, क्यों किया, क्योंकि मुझे रूट नहीं चाहिए, मुझे ये आंसर है ना, मतलब मुझे ये प्रूफ करना है, तो ये रूट हटाना है, इसीलिए a इधर ला दिया। अब स्क्वायर बोथ साइड कर दूंगा, क्योंकि रूट तब क्या हो जाएगा, रूट क्या है, 2bx माइनस a का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। अब आगे देखिए क्या करना है, थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन, लेकिन बहुत मुश्किल नहीं है। अब ये हो जाएगा 4b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2bx इनटू a इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। तब यहां से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तब ये 4b स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2 टू 4 bax हो जाएगा इक्वल टू माइनस फोर बी स्क्वायर। तो अब यहां से हम क्या करेंगे, ये आ जाएगा 4b स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 4bax प्लस 4b स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब यहां से हमको 4b कॉमन मिल जाएगा, तो 4b कॉमन मिल जाएगा, तो यहां पे क्या बचेगा, bx स्क्वायर माइनस ax प्लस यहां पे बचेगा b इक्वल टू जीरो, तो 4b तो जीरो होगा नहीं, इसलिए ये एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा, तो bx स्क्वायर माइनस ax प्लस b इक्वल टू जीरो, और दैट इज अ ट्रू, ठीक है, ये है आंसर। समझ में आया क्या क्वेश्चन बच्चों, समझ में आया क्या आप लोगों को, ये बात थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन इतना भी लेंदी नहीं है, मतलब समझ सकते हैं आप। समझ में आया क्या क्या हुआ, फिर से एक बार सुन लीजिए फटाफट, मैं एक बार रिकॉल कर देता हूं। ये नेगेटिव था, इसके पॉजिटिव से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ये a प्लस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a माइनस बी, इसको एक सेकंड a मानते हैं और ये b मानते हैं, तो a माइनस बी और a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब रूट गायब हो जाएगा। फिर अब ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये a कट जाएगा, और 2b और माइनस 2b क्या हो जाएगा, 4b हो जाएगा।
और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो ये टू ए बी कट गया, तो ए टू ए हो जाएगा और ये टू इंटू ए प्लस टू बी और ए माइनस टू बी, तो ए स्क्वायर माइनस फोर बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से टू कॉमन ले लोगे तो ए प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस फोर बी स्क्वायर अपॉन टू बी, क्योंकि टू कॉमन लेके तो टू फोर से काट देंगे तो टू बचेगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ए को एक साथ ट्रांसपोज कर दिया, स्क्वायर कर दिया और सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, समझ में आया क्या ये क्वेश्चन? समझ में आ गया क्या बच्चों ये क्वेश्चन? यस या नो में आंसर दीजिए। अगर जिसको अभी नो है तो मैं एक बार फिर से बता दूंगा, या फिर ए माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी टू इंटू टू बी एक्स इंटू ए, और ये कट जाएगा इधर, फिर यहां से फोर बी कॉमन आ जाएगा, फोर बी यहां से कॉमन आ जाएगा, तो बी एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, फोर बी जीरो होगा नहीं इसलिए ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन इतना ऐसा नहीं कि नहीं समझ सकते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे रॉन्ग लिख दिया था, मतलब गलती से 4b की जगह 4a हो गया था, इसीलिए क्वेश्चन का लास्ट का सिंप्लीफिकेशन फिर से समझ लो। यहां तक भी साल समझ में आ गया होगा, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी टू इंटू ए इंटू बी और ए स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर, अब ये स्क्वायर स्क्वायर कट गया, फोर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ये टू इंटू टू फोर और बी एक्स ए इक्वल टू माइनस फोर बी स्क्वायर और माइनस फोर बी इधर आ जाएगा तो प्लस फोर बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से फोर फोर सब में कॉमन है, मिसाल यहाँ फोर यहाँ फोर यहाँ फोर और यहाँ बी स्क्वायर बी और बी स्क्वायर, तो बी कॉमन है तो ये फोर बी स्क्वायर ले लिया तो यहाँ बी बचा और एक्स स्क्वायर बचा, और माइनस फोर बी कॉमन लिया तो ए एक्स बचा, और यहाँ पे फोर बी स्क्वायर में बी फोर बी कॉमन ले लिया तो बी बचा इक्वल टू जीरो, फोर बी तो अब जीरो होगा नहीं इसलिए ये वाला टर्म इक्वल टू जीरो हो जाएगा। विशाल अब समझ में आया, आ गया बच्चे समझ में? चलो, और बाकी किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में तो दोबारा पूछ लीजिए, अभी फिर से बता दूंगा बात, आप हेजिटेशन के मारे मत पूछ, ऐसा ना हो कि आप मत पूछे, पूछिए, नहीं आएगा मैं दोबारा बताऊंगा, दस बार बताऊंगा यार, जब तक नहीं आएगा तब तक बताऊंगा मैं, मैंने आपसे पहले भी बोला था ये बात। बाकी वेदांत दीपाली बच्चे जानवी बच्चे सबको समझ में आ गया, चैतन्य सबको समझ में आ गया, यस। चलो चलो थैंक यू बच्चे। अब एक क्वेश्चन नंबर फाइव, ये एक है, अब यहां पे एक क्वेश्चन ये है, देखिए इसमें क्या करेंगे हम, एक क्वेश्चन में देखिए, एक्स की वैल्यू क्या है, थ्री माइनस रूट फाइव अपॉन रूट टू प्लस, एक्स की वैल्यू रखेंगे ना थ्री इंटू थ्री माइनस रूट फाइव माइनस टू, मतलब मैंने क्या किया कुछ क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं करना है, एक्स की वैल्यू जो है इसमें रख दिया, रूट एक्स हो गया ये टू प्लस थ्री इंटू, आगे देखते हैं थ्री माइनस रूट फाइव अपॉन रूट टू प्लस, अब ब्रैकेट में ये थ्री थ्री क्या हो जाएगा नाइन और ये थ्री रूट फाइव माइनस टू इज इक्वल टू रूट में थ्री माइनस रूट फाइव अपॉन रूट टू प्लस सेवन माइनस नाइन माइनस टू क्या हो जाएगा सेवन माइनस थ्री रूट फाइव, ठीक है ना, सेवन माइनस थ्री रूट फाइव। अब सॉल्व करिए इसको, अब यहां पे भी मैं आपको बता देता हूं, यहां पे भी टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा और यहां पे भी टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा, क्यों, जैसे टू होगा यहां पे क्या हो जाएगा सिक्स माइनस टू रूट फाइव और सिक्स को क्या लिख लोगे फाइव प्लस वन, बात समझ में आया, यहां से आप टू से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 40 और ये 2 इंटू थ्री इंटू रूट फाइव, तो 3 क्या होता है मतलब आप 14 को लिख लोगे 9 और प्लस 5, समझ में आया ना, तो ये चीज मतलब दोनों जगह ऊपर से 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, ये बात आपको समझ में आना चाहिए। फिर से सुनिए क्वेश्चन पूरा, x की वैल्यू यहाँ पे 3 माइनस रूट फाइव था तो मैंने यहाँ पे रख दिया
और यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया, 3 × 3 9 − 3√5 − 2 ऑलरेडी था, तो 9 − 2 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे इस वाले एक्सप्रेशन में ऊपर को भी 2 से मल्टी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड और इसको भी 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड, समझ में आया ना? एक अच्छा क्वेश्चन है ये ट्राई करोगे आप लोग एक क्वेश्चन को? टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड थ्री माइनस, अब ये आप डाउट, अब ये डाउट मत करो ना कि सर ये तो फिर से बड़ा लेंदी हो गया, ये कुछ नहीं, ये इंडिविजुअली सोचो ना बच्चे कि यहाँ पे हम टू से इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, क्योंकि हमें आंसर देखो न्यूमेरिकल वैल्यू, आसान वैल्यू दे रखा है 4 ऑप्शन में, ठीक है ना? मैं ये छोड़ दूं, आप लोग ट्राई करोगे, आप यस या नो तो रिप्लाई बोलो। सेवेंटी 80% तो आपको बता ही दिया इस क्वेश्चन में, आपको हिंट पूरा दे ही दिया, तो आपको रेस्ट ऑफ द तो आपको खुद से करना है ना बच्चे, आपको हिंट तो दे ही दिया ना मैंने, ठीक है ना? होमवर्क पे छोड़ दे रहा हूं मैं इस क्वेश्चन, नहीं आएगा आप मुझसे कल पूछ लीजिएगा। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 2 अंदर चला जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, मतलब रूट 2 बाहर आएगा बेसिकली। बात समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अच्छा, फिफ्थ में किसी को डाउट है क्या? फिफ्थ में किसी बच्चे को डाउट है? कर लेंगे आप लोग इतना? अभी तक तो कुछ भी नहीं किया था, अभी तो x की वैल्यू पुट किया और मैंने बोला कि अब इसको इंडिविजुअली ऊपर वाले टर्म को और नीचे वाले टर्म को मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, और मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर का कॉन्सेप्ट आपने बहुत प्रैक्टिस कर ही रखा है, समझ में आया कि नहीं? ठीक है ना, कर लेंगे आप लोग, मैं छोड़ दूं इसको। बोलिए, चलो ठीक है, इसको ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो मैं आपको बता दूंगा फिर से। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन तो क्लियर हो ही गया था, मैंने पूछ लिया था आपसे। चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, अप टू द इंफिनिटी तक जाएगा। ट्राई करिए क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 को ट्राई करिए। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज कर आए ना, थोड़ा सा कुछ भी 1% भी दिक्कत आए बच्चे ना, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज प्लीज आप मुझसे पूछ लिया करिए, घर पे रिवाइज करिए उन क्वेश्चनों को, समझ में आया ना? जितने भी क्वेश्चंस कराया जा रहा है उनको एक बार दोबारा सॉल्व करिए, बिकॉज आप पढ़ाई कर रहे हो, आप अपने करियर के लिए, आप अपने ड्रीम के लिए, तो इसमें अपने काम में अपने ड्रीम में आपको कुछ भी हिंडरेंस नहीं आना चाहिए, ठीक है ना? हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस, ये आदत आप डाल लीजिए कि मुझे हर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, हर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है जो भी नोट्स में है, ठीक है ना? कोई भी क्वेश्चन मुझे छोड़ना नहीं है, क्योंकि जब ये आदत रहेगी ना तो आपको बहुत अच्छा से आप करते जाओगे चीजों को। चलिए बच्चे, डिस्कनेक्ट हो गया था, इस बार मेरा भी डिस्कनेक्ट हो। चलिए, आया क्या किसी का आंसर आया क्या बच्चों इस क्वेश्चन में? देखिए इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, मैंने आपको लेट दिस इज इक्वल टू एक्स, Thank you.
किसी बच्चे का आंसर आया, जयस आपका आंसर आया इसका, आया क्या आंसर? आदिति बच्चे आंसर चैतन्य या कुछ भी आया? कौन सा ऑप्शन सही है? यस या नो में आंसर दीजिए, कुछ भी आपका आया हो वो भी आंसर दीजिए। चलिए अब बताइए, यहां तक तो मैंने सॉल्व कर दिया, अब देखो यहां पे सुनिए मेरी बात, आया कुछ भी आंसर? हाँ जी बच्चे, फोर्थ ऑप्शन आया, और किसी का क्या आया, और किसी का क्या आंसर आया बच्चे? जयस आपका, अदिति आपका क्या आंसर आया? चलो देखिए यहाँ पे छोड़िए, देखिए बच्चे ये क्वेश्चन क्या था, इसको मैंने इक्वल टू एक्स ले लिया, रूट थ्री इंटू रूट थ्री इंटू रूट थ्री एंड सो ऑन चलता जाएगा, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, अब मैंने क्या किया, इक्वल टू एक्स ले लिया इसको, अब यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, तो एक्स का एक्स स्क्वायर और ये वाला जो पहला वाला रूट है वो गायब हो जाएगा, तो ये थ्री इंटू रूट थ्री इंटू रूट थ्री एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। अब मेरी बात सुनो, ये वाला टर्म जो ये मैं यहां पे कर्सर से यूज कर रहा हूं, ये पूरा टर्म स्टिल इन इक्वल टू एक्स, क्योंकि अब टू इंफिनिटी तक जा रहा है, रूट रूट में है तो ये भी एक्स के इक्वल है। एक बच्चा कहता था कि सर यहाँ पे तो तीन ही, दो ही तीन है, यहाँ पे चार है, ऐसा कुछ नहीं बच्चे, ठीक है ना, मैंने तो यहाँ पे तीन ही लिया, यहाँ पे चार दे रखा था, उससे कुछ मतलब नहीं, ठीक है ना। तो ये स्टिल एक्स के इक्वल है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू थ्री इंटू एक्स, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू थ्री एक्स आ गया। अब ये थ्री एक्स को इधर लेके चले जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स इक्वल टू जीरो, अब यहां से एक्स कॉमन ले लोगे तो एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, अब एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू थ्री, लेकिन एक्स इक्वल टू जीरो नहीं होगा क्योंकि रूट में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखा है, पॉजिटिव वैल्यू, और उसकी वैल्यू जीरो कैसे हो सकती है आप बताइए, क्योंकि आपने इक्वल टू एक्स लिया, इसकी वैल्यू जीरो हो सकती है क्या कभी जिंदगी में? नहीं, x इक्वल टू थ्री इज ऑनली आंसर, सेकेंड ऑप्शन। आपको लगेगा ये आंसर निकाला तो आपने बोला होगा कि थर्ड ऑप्शन बोथ जीरो एंड थ्री, ठीक है ना, या आप जीरो बोल सकते हो या थ्री बोल सकते हो, लेकिन ये आंसर थर्ड सही है, थर्ड क्यों सही है, सॉरी थ्री सही है आंसर, x इक्वल टू थ्री मतलब सेकेंड ऑप्शन। समझ में आया यस या नो? यस या नो समझ में आया? हाँ जी बच्चे बोलिए, समझ में आया कि नहीं आंसर क्वेश्चन है? बाकी लोगों को नहीं आया समझ में? बताइए बताइए जल्दी से, दीपाली बच्चे समझ में आया? जानवी, जय समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? सौरभ, क्या हुआ? किसी को डाउट है क्या क्वेश्चन नंबर सिक्स में? किसी को डाउट है? जीरो इसलिए नहीं लिया बच्चे, मैं आपको बता देता हूं, देखो ये दिस इक्वल टू एक्स, तो रूट थ्री इंटू रूट थ्री इंटू रूट थ्री एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, ठीक है ना। अब यहां से एक्स स्क्वायर बोथ साइड किया तो ये वाला पहला रूट गायब हो जाएगा, आपको पता है रूट गायब हो जाता है, हट जाता है, तो ये थ्री इंटू रूट थ्री इंटू रूट थ्री एंड सो रूट थ्री एंड सो वन अप टू इन्फिनिटी, और ये इक्वल टू एक्स हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू थ्री एक्स हो जाएगा। अब ये थ्री एक्स इधर आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स इक्वल टू जीरो, अब यहां से एक्स कॉमन ले लोगे तो एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू थ्री। अब एक्स इक्वल टू जीरो होने का मतलब ये पूरा टर्म जीरो के इक्वल है, ऐसा पॉसिबल है क्या? रूट रूट में थ्री इंटू रूट में थ्री इंटू रूट में थ्री कभी जीरो होगा क्या?
तो ये कभी जीरो होगा ही नहीं बच्चों, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, इसीलिए क्या हो गया, x की वैल्यू 3 होगी। ठीक है, अभी समझ में आ गया कि x की वैल्यू 3 जीरो क्यों नहीं होगा, x की वैल्यू 3 आंसर होगा। समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ जी बच्चे, ठीक है, चलो आगे बढ़ो। ये लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करेंगे आप लोग। द स्मॉलेस्ट अमंग द, इसमें सबसे छोटा कौन सा है ये बताना आपको है। बताइए, ठीक है ना, जो मैंने आपसे बोला था कि आप मैसेज कर दीजिएगा सभी अपने नंबर्स, ठीक है ना, ध्यान से। आ गया किसी का? यस या नो रिप्लाई करिए, आया कि नहीं क्वेश्चन नंबर 7? क्वेश्चन नंबर 7 आया कि नहीं? बोलिए 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 बोलिए। ये ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 और देखिए इस तरह के क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, रूट 2 और ये क्या दे रखा है, क्यूब रूट ऑफ 4, फोर्थ रूट ऑफ 3। ठीक है, अब इसको करने का, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 raised to 1/2 और ये 4 raised to 1/3 और ये 3 raised to 1/4। ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं भाई? ये फोर्थ, ये स्क्वायर रूट है, ये क्यूब रूट है, ये फोर्थ रूट है, तो जितना रूट होता है उसका 1/3, 1/4, 1/2 हो गया। अब इस तरह की क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, हमको ना ये पावर है ना वो सेम बनाना है। जैसे 2, 3, 4, कैल्सियम कितना होता है 12, तो 12 बनाना है। तो देखो कैसे करेंगे, 6/6 × 4/4 और 3/3 × ठीक है ना। तो ये 2 की पावर 6/12, ये 4 की पावर 4/12 और ये 3 की पावर 3/12। ठीक है,